हम फिर से जा रहे हैं जंगल में, जंगल साइड में थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। वो स्कूल गया, स्कूल से आके खेत में बैठा हुआ है, डांट पड़ रही है उसको। इस साइड ये रिवर है ये। क्या हुआ, स्कूल गया नहीं क्या? अरे मुझे तो आवाज जा करो जा। ये नदी है, कितना खूबसूरत। ये पीछे साइड ये पूरा इनका बागान है, इसमें तमोल, केला और भी कुछ कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। तो हम जा रहे हैं सीधा ये एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या आइटम है। ये केल, ये तमोल पुली है सर है? ये तमोल का मतलब वो पुली है। इसके बाद इसको अलग अलग जगह पे लगा देंगे। तमोल मतलब सुपारी। तो इसको उखाड़ के बल अलग अलग जगह पे लगाएंगे कि मतलब यहीं रहेगा? ये देखो कपास निकाल रहा है, कपास के पेड़ से कपास कलेक्ट कर रहा है। हम यहाँ से पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं। ये काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। इस साइड ये पूरी वैली है। यहाँ पे वो झाड़ू की फ़ोटो में खींचने आया था, जो हमारे घरों में झाड़ू लगती है। तो यहाँ पे वो जो घास है वो यहीं पे ऊपर है, और उसको जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो घास है जिससे झाड़ू बनती है। तो ऐसा पूरा पेड़ है ये, और इसके अंदर से ये निकलता है झाड़ू, धीरे धीरे और बड़ा होगा। और इसके बाद जो है हमारे घरों तक पहुंच जाता है। ये केले के, केले का जड़ है, इसे कलपुल कहते हैं। तो इसे भी खाया जाता है। यहाँ पे हम लोग ले जा रहे हैं शाम को, मोस्ट प्रोबेबली बनेगा। पहाड़ की एकदम ऊंचाई पे है, तो यहाँ से पूरा वैली कितना दूर तक दिख रहा है। यहाँ से उस साइड भी पूरा वैली दिख रहा है, और नदी भी। इसके जो सामने वो पहाड़ दिख रहा है वो भी इन्हीं लोग का है, पर मैन पावर कम है, तो वहाँ पे कोई खेती नहीं है। इस साइड ही मोस्ट प्रॉब्ली जितनी भी खेती है वो सारा इस साइड ही है, और ज़्यादातर तमूल वगैरह ही है। गिर गया लकड़ी। अब शाम हो गई है, तो हमने सोचा एक बार फिर से नदी को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि हम सुबह पहाड़ों पे गए थे। तो हम जा रहे हैं, मैं और जो दादा हैं जिन्होंने मुझे होस्ट किया है, तो हम जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से नदी काफ़ी नीचे है। उस साइड वो घर है जिन्होंने मुझे होस्ट किया है, और ये सामने की तरफ नदी है। उस साइड वो जा रहे हैं नीचे नदी में। इस साइड से रास्ता है, काफ़ी स्लिपरी है यार। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी है, और मुझे लगता है कि इससे पहले कभी कोई शायद विजिटर यहाँ पे आया नहीं है। जो जिन्होंने मुझे होस्ट किया है वो यहाँ के जीबी हैं, मतलब गांव बुरा। तो बता रहे थे कि इससे पहले यहाँ पे कोई एज ए टूरिस्ट या फिर एज ए एक्सप्लोर करने के लिए कभी कोई नहीं आया।
तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आप में से कोई यहाँ आए और इस जगह को देखे, उस सामने की तरफ नदी है, ये लकड़ी है, यहाँ के लोग लकड़ियों पे ही उनकी लाइफ डिपेंडेंट है, आग जलाने से लेके सारा घर और सब कुछ बनाने तक, तो सामने वाले जंगल से लेके लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। ये एक नाला है और कितना साफ पानी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये पानी यहाँ के लोग पीते भी हैं। ये नदी नदी अगर जाया जाए तो ये सीधा जाके मेन रोड पे मिल जाता है, लगभग यहाँ से 5.5 किलोमीटर और आगे चला जाए तो। आइए हम लोग जा रहे हैं थोड़ा और देखने के लिए नदी, और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे पिकनिक करना, कैंपिंग करना कितना मज़ेदार है। पानी बहुत ठंडा था। इस साइड में तो पूरा जंगल होगा ना? हाँ, कुछ जो पानी खेती होता है ना, हाँ झूम खेती, पानी खेती, पानी। अच्छा पानी खेती मतलब कि धान खेती ना? धान खेती, धान खेती। हाँ अच्छा, झूम खेती में क्या होता है? झूम खेती में धान होता है, वो पहाड़ों के ऊपर होता है जी, पहाड़ का ऊपर। अच्छा अच्छा, वो सीढ़ी जैसा बना के। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। तो भी धान काटने समय में फिसल आता है। हाँ तो थोड़ा मुसीबत है। हाँ हाँ हाँ, तो ये हम लोग जो करता है पानी की थी वो थोड़ा आराम है। हाँ, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये पूरा नदी है, और जब जब बारिश का मौसम होता है तो ये पूरा भर जाता है, पूरा मतलब ऐसा फ्लड जैसा हो जाता है, ये लोग पूरे ब्लॉक हो जाते हैं। अभी हम जहाँ वॉक कर रहे हैं, और जो पानी की स्ट्रीम है वो बहुत हल्की हल्की है, बट यही है कि मतलब सीजन के हिसाब से कितना डिफरेंस है कि ये पूरा एरिया पानी से भर जाता है, और अभी हम इसमें वॉक कर पा रहे हैं। ये सामने कितना खूबसूरत है, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा नदी, बहुत दूर तक वाइट और ग्रीन, कलर ऑफ नेचर कितना खूबसूरत है। ये कुछ ढूंढ रहा था, क्या है, किया से ये तो? ओ खिली का, ये खट्टा खट्टा होता है, इसे यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं, इसे खिलखा कहते हैं, टेंगा टेंगा धुनिया से ना। जो टेंगा आप लोग बोलता है वो तो हम लोग खास खास बोलता है, खास। हाँ। वो जो गोल नींबू होता है ना, हाँ। तो क्या बोलते हैं आप लोग, खास? ना ना, ये खाने के लिए जो रस निकल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। आप तो बोल रहा है टेंगा। हाँ। हम लोग बोलता है हॉस। हॉस। हाँ। और खट्टा को बोलता है हम हरा। हाँ जी। उस साइड वहाँ का क्या लगाया गया है वहाँ पे? इलायची। इलायची कौन सा, एक छोटा आता है एक बड़ा? बड़ा वाला इलायची है। हाँ, बड़ा वाला जो होता है। अच्छा, वो जो ग्रीन ग्रीन बैम्बू दिख रहा है उसके साइड में ना। अरुणाचल लास्ट कार्डमम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया में, मतलब वो बड़ी वाली इलायची आती है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया में। अभी मैं वो उस साइड गया था मायोडिया साइड में, तब भी वहाँ पे मुझे पता चला था कि वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में लास्ट कार्डमम की खेती है। तो यहाँ पे इन मसालों की भी बहुत सारी खेती होती है, और एक शायद कोई इनिशिएटिव है अरुणाचल में, पता नहीं क्या जीरो ऐसे करके कोई ब्रांड है मसाले का, तो वो जीरो वैली में स्टार्ट किया गया है, तो आप शायद दूसरे इंटरनेट पे देख पाएंगे। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अच्छा यहाँ जो चीज़ें उगती हैं वो फुल्ली ऑर्गेनिक होती है, मतलब ये लोग कोई भी खाद नहीं डालते, बस ऐसे पहाड़ों पे लगा देते हैं और वो नेचुरली होता है, कोई भी किसी तरह कोई खाद नहीं है। तो ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो यहाँ पहाड़ों में सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर। ये पहले ये इसमें जो जगह है ना, हाँ, इसमें पहले धान लगाता है। धान लगाया था जी, तो उसका बाद में पहले नला तो इस तरफ था। तो अच्छा, हाँ हाँ, फ्लो ऐसा लग रहा है। हाँ जी। हाँ, तो गैस 2 साल हो गया इधर आ गया। हाँ। पहले तो उधर था। हम्म, उसका बाद में इधर आके पूरा ये
पानी की थी जो धान था उखाड़ के लेके गया। इसको रेसी बोलता है हम लोग। क्या बोलते हैं? रेसी। अनारस जैसा ये निकलता है। हाँ हाँ। जो अनारस होता है ना हम लोग खाता है उसका मापी उसका जिस्सा है सेम टू सेम निकलता है। तो इसे हम लोग का पुराना जमाना में क्या करता है जो हम लोग मेखला बनाता है तो मेखला जो सूता ये चावल का गुरा से इसमें थोड़ा गर्म करके वो इसे रेसी से वो ऐसा ऐसा करता है। मतलब हाँ। तो जो चावल जो लटके रहता है वो जो सूता है उसमें वो सब ऐसा करके गिराता है। तो इसको जो वो अनारस जैसा होता है तो उसको खाते हैं कि नहीं खाते हैं? इसको नहीं खाते हैं। ये सिर्फ यूज के लिए जो मेखला बनता है उसके लिए यूज करता है लेकिन आजकल तो नहीं बनता है सर। नहीं बनाते हैं। अच्छा, जंगलों में हर चीज खाने वाली नहीं होती है। अभी हम और गए थे हम लोग ऊपर पहाड़ों पे तो वहाँ इन्होंने हमें दिखाया था कि वो पॉइजन किया पॉइजन का वो था पेड़ था। बता रहे थे कि ये वाला पेड़ अगर पानी में मार दे तो मछलियाँ मर जाती हैं। तो जहर जहर के भी पेड़ होते हैं जंगलों में और बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो सब कुछ एडिबल नहीं है। आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं जंगलों में। ये तो बहुत बहुत चौड़ा पेड़ है ना, बहुत बड़ा पेड़ है। तो काटने में तो बहुत टाइम लगा होगा। ये कितना कितना चौड़ा पेड़ है, ये कई सैकड़ों सालों में ये इतना बड़ा हुआ होगा। ये बहुत पुराने जंगल है, आप देख रहे हो ये पेड़। ये बहुत पुराने जंगल है और इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है इस पेड़ का, बीच में पूरा खाली जैसा है। ये तो काटी वाले बहुत तारा से आ रहा है। ये तो मानू काटी पर आ रहे, ये तो मानू काटी पर आ रहे, मानो है काटी से ना। वो कितना कितना चौड़ा पेड़ था, मतलब एक आदमी हाथ से ऊपर लगा रहा है तो वो जाके वो कंप्लीट हो रहा है। डायमीटर उस पेड़ का कितना ज़्यादा है, इस पेड़ का डायमीटर कितना ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा पेड़ है, मतलब ये सैकड़ों सालों में हुआ होगा ना ये तो। हाँ। सैकड़ों सालों में, सैकड़ों हजारों सालों से ये जंगल है यहाँ पे। इतना इतना चौड़ा पेड़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। हाँ, इतना चौड़ा पेड़, ये बहुत चौड़ा पेड़ है। और एक तो है इधर में, जो मेरा जो मिट्टी है ना हम रखा हुआ है। हम लोग थोड़ा और आगे जा रहे हैं देखने के लिए और आगे क्या है। ये लकड़ियाँ सब यहीं पे पड़ी हुई है ऐसे कैसे। यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में ये सब लकड़ियाँ पड़ी हुई है। बहन छोटा बहन होगा तो मुझी बोलेगा तो, ये लोग लकड़ी लेके आ रहे हैं जंगल से घर में जलाने के लिए। काफी अंधेरा हो गया है। ये जो नदी है ये गूगल मैप पे नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में जो गूगल पे नहीं है पर वो है रास्ते। तो ये नदी जो है अगर कोई पैदल चल के जाना चाहे तो आराम से जा सकता है। आराम से जा सकता है। तो यहाँ हम अपने घर से आधे रास्ते में कुछ हाथी भी मिल सकता है। हाथी? हाँ जी। कुछ देर पहले 3-4 दिन हो गया इसमें हाथी आके हल्ला कर रहा है। हल्ला कर रहा है उसमें हाथी का रास्ता है, वो बोलबोली में जाता है नमदोबा में। तो इधर होके उधर में नमसा में जाता है हाथी लोग। मधुबन जो रिजर्व है ना उसमें मधुबन का जंगल में जाता है। उधर से इधर बोलबोली में कुछ मिट्टी से जो ये निकलता है वो गैस निकलता है वो खाने के लिए वहाँ में जाता है। अच्छा, एक मिट्टी से बहुत बड़ा बड़ा फूल निकलता है। फूल निकलता है। हाँ हाँ। उसको फूल को क्या कहते हैं? फूल को हम तो ये आजा आजा कहता है। आजा कहते हैं ना, शायद आपको पता ना हो। एक मिट्टी से ना बहुत बड़ा फूल निकलता है। मैंने देख एक लोकल थे यहाँ पे मिनोम पट्टी नाम उनका, तो उनकी एक फोटोग्राफ पे मैंने देखा था
तो उस फूल को मैंने अपनी मतलब रियल में कभी नहीं देखा, पर वो हकीकत है कि मतलब जमीन से डायरेक्ट फूल ही निकलता है ना। हाँ। जमीन से डायरेक्ट फूल निकलता है, पत्ती उत्ती नहीं, डायरेक्ट फूल गाज का ऊपर में मिट्टी लग जाता है करके निकलता है। और एक तो है पानी का ये जो दीवान जो नला है वो नक्सतोली बोलते हैं हम, उसका नला में हम तो नहीं गया है, लेकिन हम लोग का आदमी लोग वहाँ में जाता है कुछ जंगल में घूमने के लिए, कुछ उतरने के लिए, तो पानी का अंदर से एक छोटा सा ये निकलता है, उसमें मशीस जलाने से पानी का ऊपर में आग जलता है। कहाँ पे है ये? वो थोड़ा आगे में है, ये जो नमदवा जो है उसी का आसपास में है। अच्छा, तो दीवान से आगे जाते हैं? दीवान से आगे जाते हैं तो वो पड़ता है। हाँ, तो वो पड़ता है, एक तो नाला है, उसका नाला में ऐसा करके ये निकलता है। अच्छा, नाला के भीतर है कि जंगल के अंदर है? जंगल के अंदर, एकदम नाला का बीच में है वो तो। नाला के बीच में? हाँ, नाला का। अच्छा, पानी के बीच में? पानी के बीच में। हाँ, निकलता है वो, क्या तेल जैसा वो भी निकलता है, उसमें मशीस मारेगा तो थोड़ा जलता है बोला। वो हम लोग का बस्ती में अभी भी है, वो आपने जो दिखा दिया है। अच्छा, जो देखा था वो अभी भी है? अभी भी। अच्छा, वो नाले में अभी भी निकलता है? अभी भी, हम पता नहीं बोला है, अभी गए नहीं तो पता नहीं है, पर वो निकलता है ना। तो निकलता है। ये कमाल की चीज है और बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। पानी देखो कितना क्लीन है, बिल्कुल इस कैमरे से भी एकदम दिख रहा है आराम से पूरा बॉटम। ठीक है, चलते हैं ना, चला जाए। चलिए, अभी हम लोग जा रहे थे तो एक रास्ते में एक सांप है, दिख रहा है ये? मुझे तो दिखाई नहीं, इनको दिख गया। ये देखो सांप है पूरा रेड कलर का, भाग भाग रहा है। ये कौन तो सांप आसे, नाम तो की? नाम तो ना जाना है तुम्हें? नाम तो ना जाना ना, सांप तो कौन तो आसे। जब हम लोग उधर से लौट रहे थे पूरी बारिश होने लगी, पूरा रोड मतलब ऐसे फिसलने लगा और हम लोग भागते भागते आए। नहीं,